कभी भी नहीं। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए हमेशा प्रोसेस में लगे रहो। एक टाइम नहीं बट कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ा है, आपकी जो नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे काम आ जाएगी किसी भी वे में। और जो मेंस और प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रैटेजी है, मैं यही कहूँगी, क्लासेस आओ, मॉक्स लगाओ। मॉक्स बहुत 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 जरूरी है, बहुत ज़्यादा। आपके एग्जाम से पहले 100 मिनिमम 100 मॉक्स होने चाहिए। मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने किया और कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ मॉक्स लगाए थे। रोज़ का मैंने एक मॉक्स लगा, मॉक लगाना, उसको एनालाइज करना, यही किया मैंने। और आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे जब हो जाएंगे, अभी से लगाना शुरू कर दो, आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा टाइम मैनेज कैसे करना है, क्योंकि सेक्शनल टाइम होता है। तो वो आपको मॉक से सिर्फ इतना पता चलेगा, जब आप पेपर में एक्चुअली बैठोगे ना, आपको पता चलेगा आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ईजी पेपर है तो एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों चाहिए, टफ पेपर है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, स्पीड थोड़ी सी कम हो रही कोई बात नहीं, आपको बस वहाँ पर यही पता चलेगा। घबराओगे कि आप नर्वस नहीं होगे कि क्या आगे पेपर में मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन अभी नहीं होना, चलो मूव ऑन करो, नेक्स्ट करते हैं, यही है। आपके कहाँ कहाँ सेशन है तो से सर, मैंने SSC के दिए हैं, 2017 की डी वी दी थी, 18 की डी वी है, 19 का भी उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। और मैं ऑलरेडी कैनरा बैंक में वर्किंग थी एज ए क्लर्कल, और अभी SBI में PO का सिलेक्शन हुआ है। मेरा जो क्लर्कल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस था वो मुझे काफ़ी काम आया, उन्होंने मुझसे इनफैक्ट इंटरव्यू में बैंकिंग से रिलेटेड हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे कि अगर बैंक में हो, ब्रांच में हो, ये हुआ तो कैसे करोगे, ऐसे कैसे करोगे, ये सब बाकी टेक्निकल बैंकिंग टर्म्स तो आपको करनी पड़ेंगी, वो तो कुछ नहीं है, CRR, SLR, वो सब वगैरह आपको सब कुछ करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए तो सर मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ, इन्होंने मॉक्स लिए थे और जैसे जैसे जो भी क्वेश्चंस पूछे, सेम सिमिलर क्वेश्चंस, इनफैक्ट सेम क्वेश्चंस मुझसे वहाँ इंटरव्यू में पूछे थे, तो क्योंकि सर ने पूछे तो मैं ऑलरेडी आंसर्स मेरे प्रिपेयर थे, मैंने जो मॉक के टाइम दिए थे मैंने उसको आगे उसमें इनपुट दिया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलो, वैसे नहीं ऐसे बोलना है, इसमें आप ये ऐड कर सकते, और हमारे साथ जो सर भी थे प्रतिंदर सर, जो एक जनरल मैनेजर हैं SBI से, तो ही इज फ्रॉम SBI, सो ही एग्जैक्टली नोज द साइकोलॉजी ऑफ द SBI पैनल, सो दैट वाज द रियल। तो आप बच्चों को क्या गाइड कर रहे थे, किस तरीके से बच्चे अपने दिन की जो रेगुलरिटी है पूरा दिन के कैसे डिवाइड करें बच्चे पढ़ने में, ये जैसा बताओ थोड़ा सा बच्चों को। सुबह उठो, जल्दी उठो, सीधी बात है, कई होते हैं हमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम रात को पढ़ने वाले हैं, मैं भी ऐसी थी, मैं भी रात को पढ़ती थी, 2-3 बजे से पढ़ना, सुबह लेट उठना, वो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो तो इट्स वेरी 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 गुड हैबिट। आगे आप वर्किंग में भी जाओगे, जॉब में जाओगे, वहाँ पे तो सुबह उठना ही पड़ेगा, तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो करो, नहीं होता तो रो बजे कोई बात नहीं, सुबह उठ के आप अपना टाइम टेबल सेट करो, अपने जो डे पूरा दिन है ना उसको डिवाइड करो, मुझे इस टाइम कसर करना है, मुझे इस टाइम वॉक करना है, मुझे इस टाइम क्लास आना है, और अगर आपका ग्रुप बन सकता है 3-4 लोगों का, डू मेक अ ग्रुप, आपके जहाँ जिससे सेटिंग बनती है जैसे होता है अपना ग्रुप बनाओ, डिस्कस करो, क्योंकि अब करंट इतना वास्ट हो गया है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस किसी भी टाइप के आते हैं तो हम रिमाइंड नहीं कर पाते या याद नहीं कर पाते, तो अपना ग्रुप बनाइए, अकेले मत, अब वो टाइम चेंज हो गया जब आप अकेले रूम में पढ़ के क्लियर करते थे, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, आपका ग्रुप होना बहुत जरूरी है, अपने आप सीखते हो, अगर आपने 4 चीजें पढ़ी है ना, जिस दिन ग्रुप डिस्कशन के बाद निकलोगे ना आपको 20 चीजें आती होगी, 4 हर तरफ से आएंगी, आपको बहुत कुछ इंक्रीज होता है, याद रहती है चीजें, आप मैथ्स भी सॉल्व करते हो, कुछ नई क्वेश्चन हुआ किसी से, कोई नई ट्रिक मिलती है, वो चीजें आपको हमेशा माइंड में रहेंगी, पेपर करते हुए, मॉक करते हुए, ये हमेशा याद रहती है, तो ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ऐसा पैटर्न हो चुका है,
रैंकिंग कर लूँ हर एग्जाम का, कोई भी प्रदर्शन का, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे ज़्यादा यही कहूँगी मॉक से डर मत, डर लगता है हम स्टार्टिंग करते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर करेंगे, पर दो अभी नहीं भी कंप्लीट हुआ तो भी कोई बात नहीं, डरना नहीं है मॉक से। अगर बच्चों जैसे थोड़ा अगर कोई पेपर किसी का नहीं हो पाता जिस करेंट हो जाती डिसमेंट हो जाती है तो उसको डिसमेंट को एज ए चैलेंज कैसे देखे जाए नेक्स्ट वीक का फ्रेंड से मिलो घर के गप्पे शप्पे मारो तुम उसी के देख के आओ अरे जो खाना पसंद है खाओ, पर उसके बाद नेक्स्ट के लिए डट जाना, रुकना नहीं है उसमें ही। और अपने अपने लाइफ स्टाइल में आपने इतना नहीं खो जाना पढ़ते 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 कि आपको करिकुलर कुछ ना करो, रीड समथिंग, आपको नॉवल पसंद है, आपको ड्राइंग करनी पसंद है, आपको सॉन्ग सुनने पसंद है, आपको मूवीज पसंद है तो जरूर करना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के वहाँ यूट्यूब स्कॉलिंग में आपसे ये पूछेंगे आप चैनल कौन से आपको पसंद है, वो चैनल के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल किस पे बेस्ड है, क्या टॉपिक कवर करता है, वो फिर आप जरूर ध्यान रखो। कई स्टूडेंट तो सुनते हैं आपको उनको पता होना चाहिए लिरिक्स का मतलब क्या है, सॉन्ग का लिरिक्स कौन है, कहाँ पिक्चर है, ऐसे ऐसी चीजें बच्चे बोलते हैं तब मुझे म्यूजिक बड़ा पसंद है। We should do mix and match of everything. You should do what you like also and give time to your studies, quality time to your studies. मतलब एक तरफ नहीं जाना है कि सिर्फ पढ़ाई 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 बाकी सब छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, ये मिक्स एंड मैच होना चाहिए, बट इट शुड बी क्वालिटी टाइम शुड बी गिवन टू योर स्टडीज एंड योर करियर। तो आपका भी कोई कोई एग्जाम नहीं हो पाया, फेलियर हुआ? हाँ जी सर, बड़े सारे फेलियर हुए, बड़े सारे सक्सेसेस हुई हैं, कई हाफ सक्सेसेस हुई हैं, कई कंप्लीट हुई हैं, तो मिक्स का सब कुछ रहा है, लेकिन मैंने कभी प्यार नहीं छोड़ा, बीच में जरूर ब्रेक ले लेती थी, चलो रिजल्ट आया उसके बाद ऐसी फीलिंग आती थी अब क्या करें, एकदम से ऐसा लगता था तो, पर आप तो वो कहते हैं लाइफ मूव्स ऑन, कोई बात नहीं और पेपर आ जाते हैं, तभी स्टार्टिंग से थोड़े दिनों बाद नोटिफिकेशन आती थी इसका एग्जाम किया, आप उसके लिए तैयारी करने लग जाते हो, अपने अपने आप को कभी रोकना नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लेना कोई बात नहीं ले लो, पर रुकना नहीं, जिसका अटेंड होते हैं मैं जानती हूँ मेरे को भी वही फीलिंग आती थी, लेकिन वही मैं यही कहूँगी कि लगे रहो, कभी ना कभी हो जाता होता है, छोड़ना नहीं है बस। तो आपने भी थोड़ा मिक्स एंड मैच करके काम शुरू करके शुरू किया, जैसे परिसेंस की थोड़ी प्रिपरेशन करी, फिर एसएससी भी दिया, फिर बैंक भी दिया, तो बच्चों के लिए आपको आपके लिए क्या वो है गाइडलाइंस की कैसे पहले जनरल प्रिपरेशन करें वो, और जैसे एग्जाम कोई आता है उसके हिसाब से स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना शुरू कर दें या कैसे करना चाहिए, आपने कैसे किया? अगर क्या आप कहते हैं सिविल सर्विसेज क्या क्या बच्चे जाते हैं एसएससी बैंक और अदर स्टेट के एग्जाम के लिए पे जाते हैं या हरियाणा की एजेंसी है हिमाचल की उसके लिए बच्चे जाते हैं जनरल तैयारी तो आपकी ये हो गई कि आप मैथ्स कर रहे हैं करंट अफेयर्स कर रहे हैं रीजनिंग कर रहे हैं इंग्लिश कर रहे हैं ठीक है फिर एग्जाम से जो पर्टिकुलर एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा है वो आपको प्लस करना पड़ेगा अगर आप आईबीपी बैंकिंग की कर रहे हैं एसबीआई की कर रहे हैं आईबीपीएस की कर रहे हैं तो उसमें पजल्स का डिफरेंट सेट होता है ना रीजनिंग में कुछ डिफरेंट आता है करंट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एसएससी पे कर रहे हैं तो आपको जनरल स्टडीज़ का आता है उसमें सेक्शन वो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अच्छा उसमें फिर एडवांस मैथ्स होती हैं वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जनरल के साथ साथ जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसका जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको इनपुट डालनी पड़ेंगी पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक की पॉइंट्स होते हैं ना कि हाँ जी हमें बुल्स आई पे हिट करना है वो बुल्स आई के लिए फिर आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं ना वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग डालने कि आप देखो आज के टाइम पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड रखना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी जितना ब्रॉड रखोगे उतना बढ़िया है ये नहीं सोचना कि मैं तो बस इतना ही करूँगा और फिर बस इतना ही रखूँगा ऐसा नहीं एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम भर के आप सेक्शन नहीं दे सकते दो या तीन एग्जामिनेशन का पूल बना के चलना पड़ेगा ठीक है अगर फाइनल से एक नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं कि पूरा साल आप क्या करेंगे
ठीक है, यू शुड हैव टू और थ्री ऑप्शंस विद यू. एक ऑप्शन अगर क्लिक कर गई ना तो वो पूरी 60 साल तक की उम्र तक रिटायरमेंट तक आपको पूरा रिटर्न मिलता रहेगा उसको. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी जैसे बताएं कि आपको ऑप्शंस रखनी पड़ेंगी. यू शुड हैव अ डाइवर्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. अगर आज से 6-7 साल पहले की बात करते तो आप एक एग्जाम की तैयारी करते थे, आप क्लियर करते थे, पर अब ऐसा नहीं है. तो उसकी वजह से सारे गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिशन और टफ होगा. बट ऐसा नहीं कि टफ होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा. जैसे दिहास ने कर रहा है ना, एसडीए में कम वैकेंसी थी, उसके बावजूद भी अपना जो वो है ना टारगेट है वो नहीं स्किप होना चाहिए. दैट शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है. तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो गए थे क्या सर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे क्या पहले? अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए थे कि आप अपने आप को वैसे समझते हो, है ना. तो कुछ बच्चे लगता है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ या इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मैं कर सकता हूँ क्या? पता नहीं चला था वो क्या लोग, मुझे पार्ट पॉइंट बोला कि आप शुरू से सॉफ्ट स्पोकन हैं, तो भी अग्रेसिव भी होते थे.
धीरे बोल रहे हो तो थोड़ा ऐसा लगता है कि दूसरे बंदे को चाहे आप हो सही पर ऐसा लगता है शायद कॉन्फिडेंस कम है ना, उसकी वजह से शायद हमने बोला होगा कि बोला है थोड़ा सा और भी बड़ा होगा। मैं मंडे को इंटरव्यू था, मैं संडे को भी फ्लैट में शीशे मिरर के आगे खड़े हुए बोल रही थी, मेरे को वहां पे अपना ये चीज दिखानी, ये जो मुझे पता है कि मैं वहां पे लैगिंग हूं, वो मुझे वहां पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरा प्यार के जाना है। बाकी जो क्वेश्चंस का तो कोई बात नहीं है, वो जैसे सब ने बताते हैं वैसे ही पूछते हैं। तो आपके आंसर्स प्रिपेयर्ड होंगे, कुछ मैं भी प्रिपेयर्ड होंगे, बट ऑनेस्ट वहाँ पे हमें नहीं आता तो बोल लो कि सर नहीं आपको नहीं आपको ये नहीं पता, नहीं सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको नहीं पता होगा, वो आपसे आगे 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 क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहीं तो जाके आपको फुल स्टॉप लगेगा जो आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। बट अगर जल्दी लग गया तो उस टाइम उससे बेटर है कि थोड़ा देर बाद लगे, उतने ही पूछ रहा हूँ वहाँ पे भी लगेगा आपका नंबरों पे उतने पूछ रहा हूँ लगेगा। टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ी, मुझे नहीं करना है, तो
वो मैंने स्लेवलों के जब मन में होता है वो जाता है। तो शुरू से एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहता हूँ आपके सबके साथ। एक अभी बात चली रही है फैमिली से के बारे में, तो एक पर्सन ने किसी से किसी महापुरुष से किसी पूछा कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो रोज आता था क्वेश्चन पूछने, तो वो बोलते थे, वो उसका जवाब ही देते थे, वो बस एक किल लगी हुई थी उस पर जमीन के अंदर, वो बस उसके ऊपर थोड़ा मार के उसको ठोक देते थे। तो उन्हें काफ़ी दिन पूछते रहे कि मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें, तो उनका कोई जवाब नहीं आया, बट वो सिर्फ उस किल पे थोड़ा मार देते थे और वो किल टूटी रहती थी। तो काफ़ी दिन होते गए, वो उसने पूछा कि आप जवाब नहीं दे रहे मेरे क्वेश्चन का, तो क्या जवाब है इस क्वेश्चन का। तो उन्होंने बोला कि जैसे कि जवाब मैं आपका जवाब ही दे रहा हूँ कि रोज मैं जो किली है, जो किली ना उखड़े, इसको रोज मैं हथौड़े से ठोकता हूँ ताकि ये जुड़ी रहे। तो बोलते हैं इसी तरह मन को भी और आपकी जो प्रिपरेशन है बच्चों, उसको भी आपको रोज जोड़ना पड़ता है ताकि वो जुड़ा रहे, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं बच्चों रेगुलरिटी बनाइए, ठीक है। अगर एक भी दिन उसने हथौड़ा नहीं मारा तो वो किल उखड़ जाएगी और पता नहीं कहाँ जाके जुड़ेगी। तो इसीलिए अपने मन को भी पढ़ाई के साथ जोड़ने के लिए रोज पढ़ना पड़ता है बच्चों। एक भी दिन अगर नहीं जोड़ा मन पढ़ाई के साथ तो पता नहीं मन कहीं और जुड़ जाएगा ना, कहीं जुड़ जाता ना हरदम, है ना। तो इसलिए मन को बच्चे पढ़ाई के साथ बिल्कुल ऐसा पक्का जोड़ के रखने के लिए रोज पढ़ाई करनी है। इसीलिए हम भी रोज क्लास रखते हैं, चाहे लॉकडाउन हो चाहे भारत बंद हो कुछ भी हो, तो उनको बोलते हैं रोज पढ़ाई गए ताकि आपका मन जुड़ा जाए। इसलिए रेगुलरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दिकाशी ने बोला कि रेगुलर रहना बड़ा जरूरी है, काम ज्यादा हो बैंक में कम हो, बट आगे रेगुलर है, रोज पढ़ रहे हैं, अपने टारगेट पे बढ़ रहे हैं, उसी का मेन इम्पोर्टेंस है।
तो आपके हर डिपार्टमेंट वाले आपको बोलेंगे कि हमारे पास है, फिर हर एक डिपार्टमेंट वाले ही आपको चाहेंगे कि यस दिस कैंडिडेट शुड बी विद मी। वंस योर पर्सनैलिटी इज ग्रोन एंड यू आर हार्ड वर्किंग एंड अ मेच्योर एंड अ स्मार्ट पर्सन, ठीक है, स्मार्ट इन द सेंस आप ब्रेन से स्मार्ट, ठीक है, दिस इज द अंडरलाइन मोटिव ऑफ एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू अरेंज फॉर यू। एंड एनी अदर क्वेश्चन यू हैव टू आस्क फ्रॉम दिव्या, यू कैन आस्क, यस। और किसी का कोई सवाल हो आपकी बड़ी अच्छी जर्नी रहे, हमारी सबकी बेस्ट विशेष।